बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के जोधपुर से, जहां की भारतीय वायुसेना का एक मिग 27 यूपीजी विमान क्रैश हो गया है। खबर इस प्रकार से है, राजस्थान भारतीय वायुसेना के मिग 27 यूपीजी विमान क्रैश हो चुका है, लेकिन पायलट को ये इस प्रकार से सुरक्षित बचा लिया गया है। ये राजस्थान के जोधपुर की घटना है, आज सुबह रविवार सुबह की घटना है। सिरोही जिला कलेक्टर के मुताबिक पायलट को सुरक्षित बचा लिया गया है। जानकारों के मुताबिक शिवगंज के पास घराना गांव में ये विमान क्रैश हुआ है। जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस वक्त भारतीय वायुसेना का मिग 27 विमान अपने रूटीन मिशन पर था। किसी प्रकार के नुकसान की अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। एसपी कल्याणमल मीना ने घटना की पुष्टि कर दी है और इसी बीच विमान के दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश भी दे दिया गया है। ये कोई मिग 27 के दुर्घटनाग्रस्त होने का पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बीकानेर में मिग 21 विमान क्रैश हो चुका है। गौरतलब है कि राजस्थान के बीकानेर में भारतीय वायुसेना का मिग 21 बाइसन लड़ाकू विमान क्रैश हो गया था। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि शुक्रवार को बीकानेर के पास नल एयरबेस से इसने उड़ान भरी थी और तभी विमान से एक पक्षी टकराया, जिसके चलते यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही एयरफोर्स की टीम घटना स्थल को रवाना हो चुकी है। बीकानेर के एसपी प्रदीप मोहन शर्मा ने कहा कि बीकानेर शहर से 12 किलोमीटर दूर शोभाशर की ढाणी में ये मिग 21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। पुलिस की टीम ने हादसे वाली जगह की घेराबंदी कर ली है और हादसे में किसी प्रकार के कोई जनहन की हानि नहीं हुई है। हाल ही के दिनों में 21 बाइसन विमान क्रैश होने की यह दूसरी घटना है। अभी कुछ दिन पहले ही विंग कमांडर अभिनंदन भी वायुसेना का ये मिग 21 बाइसन ही उड़ा रहे थे जब वह क्रैश हो गया था। मिग विमानों के क्रैश होने की घटनाएं अब बहुत ही आम बात हो गई, क्योंकि ये विमान करीब 5 दशक पुराने हो चुके हैं और इन विमानों को बदलने की मांग काफ़ी समय से की जा रही है।